के मामले तेजी से बढ़ने पर अब केंद्र सरकार ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। पूरी तरीके से जो सतर्कता है वो बरतने को कहा गया है। हालांकि नया वेरिएंट पिछले वेरिएंट की तुलना में कम खतरनाक बताया जा रहा है, फिर भी सावधानी इसीलिए जरूरी है और इसीलिए केंद्र सरकार की तरफ से एडवाइजरी इसको लेकर जारी कर दी गई है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर इस कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि JN.1 के लक्षण क्या है, जिससे अगर आपको भी ऐसा कोई लक्षण दिखाई दे तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। JN.1 की चपेट में आने पर सांस लेने में परेशानी होने लगती है, इसके साथ ही नाक बंद हो सकती है और गले में खराश भी रहती है। इसके अलावा हल्का बुखार भी चढ़ जाता है और तेज खांसी की शिकायत भी यहां पर हो सकती है। इतना ही नहीं, पेट खराब होना भी इसी वेरिएंट का एक बड़ा लक्षण हो सकता है। कोरोना के नए वेरिएंट में सिर दर्द की भी शिकायत हो सकती है। अब ये वो लक्षण है जो अगर आपको लगता है कि आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को महसूस हो रहे हैं तो जरूर इसे बिल्कुल लाइटली लेने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। अब देश में कोरोना के एक्टिव केसेस का आंकड़ा 2500 के पार जा पहुंचा है। कोरोना के नए वेरिएंट यानी कि JN.1 वेरिएंट ने बहुत तेजी से अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। भारत में इस वेरिएंट के अब तक 21 मरीज सामने आ चुके हैं और देश के कई राज्यों ने अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच बिहार के मुजफ्फरपुर में भी स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया है और इसी के साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने RT-PCR जांच में बढ़ोतरी कर दी है। कोरोना गाइडलाइंस के तहत लोगों को मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की सलाह दी गई है, जिससे वो खुद का बचाव खुद कर सके, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके और खास तौर पर अगर वो बाहर जा रहे हैं, गैदरिंग में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं तो वो खुद का ख्याल रख सके। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसको लेकर मुजफ्फरपुर के भी तमाम अस्पतालों को अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त हम सदर अस्पताल में हैं और सदर अस्पतालों में भी जो है वह कोरोना को लेकर लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और जो आदेश दिए गए हैं कि जितने भी जिले के अस्पताल हैं उन सभी जगहों पर 100 RT-PCR जांच जो है वह होना है। हालांकि आगे चलकर जो है लोगों को तमाम वो जो गाइडलाइन जो पुराने SOP थे उसे फॉलो करना है, यानी मास्क लगाना है और आप देखेंगे कि लोग जो है वो अब मास्क लगाकर निकलने भी लगे हैं। 2019 यानी कि जब हमने और आपने ये जाना कि कोरोना वायरस कितनी तेजी के साथ फैल सकता है, 2019 से लेकर अब तक कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है और VC के माध्यम से आज सवेर में भी हम लोगों ने सब लोगों को इंस्ट्रक्शन किया है कि RT-PCR का टेस्ट करना है, 100 टेस्ट सब जगह करना है, 100 टेस्ट और उसके टेस्ट को बाद में बढ़ाना भी, जैसा इंस्ट्रक्शन आएगा बाद में बढ़ेगा भी, और जितने भी प्रोटोकॉल हैं उससे जो भी SOP है सबको मेंटेन करना है। और 2019 से लेकर अब तक कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदलता रहा है, बार बार उसके नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं और JN.1 वेरिएंट भी एक नया वेरिएंट है जो ओमिक्रॉन स्ट्रेन से निकला है। इसके बारे में और जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हैं। पहला मरीज यूरोप के देश लग्जमबर्ग में यहां पर मिला है और इसीलिए चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। सितंबर में पहला केस इसका सामने आया था जिसकी जानकारी मिली थी, लेकिन उसके बाद आप देखिए सबसे तेजी से जो वेरिएंट है वो यही फैलने वाला है और इसीलिए ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में ज्यादा दिक्कत ना हो जाए। कोरोना के 15 से 29 मरीजों को बीमार करने के लिए यही जिम्मेदार है। चीन और ब्रिटेन में भी ये फैलना अब शुरू हो चुका है। इसके अलावा इसके बारे में जानकारी ये है कि WHO ने वैक्सीन को इसके लिए कारगर बताया, जो एक अच्छी खबर के रूप में भी देखा जा सकता है। ये वो तमाम जानकारी है जो इस नए वेरिएंट के बारे में हम आपको बता रहे हैं और सवाल ये भी है कि JN.1 वेरिएंट कितना खतरनाक है। तो हालांकि अभी तक यही कहा जा रहा है कि पहले के मुकाबले ये बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है।